नमस्कार जनटियों में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में आज बात करेंगे हम दुर्गा महापूजा की। बंगाली समाज की दुर्गा पूजा अपने आप में एक गौरवशाली और धार्मिक पृष्ठभूमि की मानी जाती है। इसका अपना एक इतिहास भी है। चार दिन चलने वाली पूजा का समापन सिंदूर खेला के साथ में होता है, और माता को देख रहे होंगे आप, इसी तरह से महिलाएँ सिंदूर लगाती हैं बारी बारी से, और इसी के साथ इसका समापन होता है। आप देख सकते हैं, ये सिंदूर उत्सव कहते हैं इसको, महिलाएं सिंदूर लगा रही हैं। ये देखे, महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, पहले माता के सिंदूर लगाती हैं, उसके बाद में यहाँ हम जयपुर के दुर्गाबाड़ी में हैं। क्या इसका महत्व है जिसे हम कहते हैं सिंदूर खेला? माँ, जिस तरह से हम महिलाएं अपने पीहर जाती हैं अपने बाल बच्चों के साथ, उसी तरह माता जी भी साल में एक बार अपने परिवार के साथ पीहर पधारती हैं। जिस दिन वो पधारती हैं उस दिन उनका घट स्थापना अर्थात उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। उसके बाद रोजाना उनके नियम, उनके पूजा पाठ सब कुछ की जाती है, उसके बाद अंजलि दी जाती है। और दुर्गाबाड़ी आज का सबसे प्राचीन है यहाँ का, और इस बार हमारे लिए खास है क्योंकि यहाँ पर वियतनाम से मंगवाई गई संगमरमर की मूर्ति के पत्थर से इनकी मूर्ति का निर्माण हुआ है, जो शायद राजस्थान के साथ साथ विश्व में पहली ऐसी प्रतिमा है जिनकी यहाँ पे स्थापना की गई है। लेकिन हम उसके साथ साथ एक और दुर्गा उनके परिवार के साथ रखा है जिसको हम विसर्जित करेंगे। मंदिर बन गया है, उसको हम विसर्जित नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह से अब भी हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पे भक्तगण प्रसाद ग्रहण करते हैं, श्रद्धालु आते हैं। 5,000-6,000 के उसमें यहाँ पे सबको भोग प्रसाद खिलाया गया, तृप्ति होकर यहाँ से सब जाते हैं। आज माँ का अंतिम दिन है, आज माँ को हम विदा करेंगे। चिन्मयी जी, मैं देख पा रहा हूँ कि जो दुर्गा उत्सव होता है काफ़ी महिलाओं का इसमें विशेष और खास रोल रहता है। सिंदूर आप लोग लगाते हैं एक दूसरे के, मैं देख रहा हूँ सब महिलाओं के सिंदूर लगा हुआ है, क्या महत्व है इस? जैसे आप देखेंगे यहाँ के राजस्थान के कल्चर में जो होता है ना, आप जो होता है करवा चौथ के टाइम हाथ में मेहंदी लगाया जाता है, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ ए मैरिड पर्सन, अ मैरिड वोमन। तो उसी तरह से हमारा जो बंगाली का है वो है सिंदूर। तो जैसे माँ आती है तो माँ को हम सिंदूर लगाते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं कि हम भी सुहागन रहे। तो एक दूसरे को हम सिंदूर लगाते हैं और एक दूसरे को हम लोग बेस्ट विशेस देते हैं कि तुम भी सुहागन रहो और नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वी कैन सी यू अगेन इन द सेम फॉर्म, इन अ मैरिड फॉर्म एंड अ मैरिड वुमन फॉर्म। सो इट गिव्स अ स्ट्रेंथ, हमको एक स्ट्रेंथ मिलता है फ्रॉम माँ दुर्गा विच वी कीप ऑन पासिंग टू द अदर्स, नॉट ओनली टू द बंगालीज बट ओवर ईयर द नॉन बंगालीज हु इवन come over here, they are not Bengalis but they have the faith, the devotion that whatever they are having, to usi tarah se hum bhi aapas mein wo shakti ko rakhte hain aur baantte bhi hain. So this is the significance of celebrating the sindur khela in Rajasthan among the Bengalis at the last day of the Durga Puja, that is Dashera. Thank you. Mahila sashaktikaran ki ek badi theme hoti hai aur ye kaha jata hai ki nari ki hamare yahan pe itihas mein puja kiya jata hai, aur नारी जो है वो एक सिंबॉलिक है। हम कहते भी हैं कि माँ दुर्गा की भक्ति हो, चाहे सीताराम हो या राधा कृष्ण हो, ये पहले कहा जाता है। तो महिला सशक्तिकरण की थीम को वैसे भी लेके जाते हैं, महिला मोटिवेशन, महिला आत्मनिर्भर बन सके, वो थीम होते हैं। और ना केवल हम यहाँ, मैं बात जयपुर के कर रहा हूँ, जयपुर के राजधानी जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में बंगाली समाज से जो लोग हैं, अब केवल ये दुर्गा पूजा बंगाली समाज तक सीमित नहीं है। जो लोग इस कल्चर को मानते हैं, मातृशक्ति में भरोसा करते हैं, माता में भरोसा करते हैं, वो तमाम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी तरह से अगर बात की जाए तो बढ़ चढ़ करके श्रद्धालु और महिलाएं हिस्सा लेते हैं, एक थीम बेस्ड प्रोग्राम भी करते हैं कि कभी किसी तरह की थीम पर, कभी किसी थीम। एक बड़ी और नायाब बात यहाँ निकल करके आई है कि पूजा इस बार दुर्गाबाड़ी जयपुर में संगमरमर की मूर्ति की गई है, लेकिन एक सिंबॉलिक मूर्ति और लगाई गई है जिसका विसर्जन भी किया जाएगा। मैम, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला आत्मनिर्भर बने, महिला सबसे बड़ी बात है कि आत्मनिर्भर से ज्यादा महिला का रेस्पेक्ट कायम रहे, तो वो भी कहीं चर्चा होती है इसमें। जी बिल्कुल, हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि माँ शक्ति है, देवी माँ शक्ति है, महिला को हम लोग देवी के रूप से देखते हैं कि देवी देवी हो, ये शक्ति है,
चाहे कोई भी हो, ये शक्ति है। महिला को हम लोग कभी भी डिसरेस्पेक्ट कर नहीं सकते, इसीलिए हर साल माँ को हम मानते हैं कि माँ हमें आप शक्ति दो, जैसे आपने असुर को दमन किया है ना, वैसे आप हमें शक्ति दो, जैसे कि हम लोग भी कोई भी काम पे पीछे ना रह जाए, हम लोग सब एकदम साथ मिलके हम लोग आगे चल सकते हैं। महिला है शक्ति, माँ है शक्ति, और इसीलिए हम लोग शक्ति के रूप में हैं यहाँ पे, महिला शक्ति के रूप में हैं। और आगे भी हम लोग जैसे माँ दुर्गा यहाँ पे हैं, उनके परिवार के साथ आते हैं, शक्ति को हम लोग देखते हैं आगे, जैसे कि वो जब वापस भी जाते हैं लेकिन शक्ति हमें दे जाते, देवी माँ हमें शक्ति दे जाए। कहीं पर भी नारी हो, नारी है शक्ति, नारी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, नारी शक्ति प्रबल शक्ति, यही बात कही जाती है। देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पे अभी सिंदूर के साथ में सिंदूर लगा रही हैं, और सिंदूर का जो महत्व होता है, जैसे बताया है कि राजस्थान के अंदर या मारवाड़ी कल्चर के अंदर करवा चौथ का जो महत्व होता है, उसी तरह से ये भी एक बड़ा महत्व होता है। देखिए ये आखिरी दिन जब होता है, माता के विसर्जन का जब दिन होता है, उस दिन सिंदूर लगाया जाता है, और माँ की उपासना के साथ साथ एक उत्साह भी होता है, क्योंकि चार दिन तक इसी माता की पूजा की जाती है, उसके बाद इनका विसर्जन होता है। एकदम जैसे डिप्रेस टाइप लगता है, क्योंकि इतने दिन माँ हम लोगों के बीच में रहती है, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर, एज अ भाभी, जैसे सब लोग मिलके, महिला सब मिलके माँ के साथ में रहते हैं, तो एक बेटी को जैसे विदा करते हैं घर से, तो माँ का दिल जैसे भर आता है, वैसे ही माँ को विदा करते हैं तो हम लोग का दिल भी ऐसे ही भर आता है। जी चलिए देखिए, मैं और भी कुछ महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग बताओ। जी मैंने जैसे भी अनीशा जी से पूछा, ये एक ऐसी बेला होती है कि जब बेटी मैरिज होती है, काफ़ी उत्साह होता है, बारात आती है, स्वागत किया जाता है, आप लोग भी सब देखते हैं, मेहंदी रचाते हैं, महिला संगीत होता है, लेकिन जब विदाई की बेला होती है तो तिलक लगाते हैं, इसी तरह से विदा करते हैं, तो कुछ ऐसा महसूस होता है कि इतने दिन से जब हम पूजा पाठ कर रहे थे, अभी विदाई का वक्त है, तो कैसा महसूस करते हैं? हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। ये कहते हैं ना, एक अश्रुपूरित हम लोग उनको विदाई देते हैं, पर ये आशा होती है कि अगले साल वो फिर आएंगी, हम वापस से इसी एंथुसियाज्म के साथ वापस से इनको मनाएंगे, उत्साह के साथ उनको वापस बुलाएंगे। तो हम बंगाली में हम लोग बोलते हैं आश्चे बछर आबार एशो, मीन्स आबार हबे मीन्स अगले साल फिर से होगा, अगले साल माँ फिर से आएंगी। तो उसी हम एक जोश के साथ, उसी आशा के साथ हम माँ को विदा करते हैं। डेफिनेटली जब बेटी माँ के घर से जाती है तो माँ रोती है, बेटी भी रोती है, तो हम लोगों का भी अभी ऐसा ही एक सीन होता है, अंदर से हम लोग बहुत भरे हुए होते हैं, लेकिन चार दिन की खुशी भी होती है हमारे अंदर, और एक विदा करने का दुख भी होता है, तो एक मिक्स वाला हमारे अंदर फीलिंग होती है अभी। जी देखिए वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है, उसके साथ में चीज़ें भी बदलती दिखाई दे रही हैं। जी बदल रहा है, हम लोग शक्ति देख रहे हैं ना, नारी प्रगति देख रहे हैं, नारी कितने आगे जा रहे, कहाँ नहीं जा, नारी है, नारी जितने भी हम लोग देख रहे हैं सबसे आगे, ओलंपिक में आप देखो, घर बाहर एक साथ संभाल रहे हैं, नारी, नारी शक्ति है, षष्ठी से हम लोग देख रहे हैं नारी शक्ति है, नारी हर मीन्स मर्द क्षेत्र में अभी। जी बिल्कुल। इंदिरा जी कितने सालों से आप पूजा में? हम लोग बचपन से, जब से हम लोग का जन्म होता है, हम लोग बचपन से ही यही उसमें आते हैं, दुर्गा पूजा होता है वहीं से, मतलब हम लोग बुढ़ापे तक, मतलब जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं, हम लोग इस पूजा में जरूर शामिल होते हैं जहाँ भी हों। जी तो पहले से, जब आप कह रहे हैं हम छोटे बच्चे थे तब से कर रहे हैं, और अभी इस उम्र तक, इससे भी बुजुर्ग होंगे जो भी कर रहे होंगे, तो बदलाव क्या देख रहे हैं, कुछ बदलता नजर आ रहा है पहले? हाँ पहले तो थोड़ा अलग लेवल पे हुआ करता था, अभी इवेंट मैनेजमेंट टाइप का कुछ होने लगा, सब कुछ मतलब कॉल करने से सब कुछ अरेंज हो जाता है, पहले तो सारे चीज खुद ही खुद अरेंज करते थे लोग बाग, है ना, तो वो बदलाव आया है, पर समय समय के साथ साथ ये सारे बदलाव आए कि मतलब दौड़ते हुए दौड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये आप इसी तरह से हर जगह पे, चाहे भारत हो, चाहे देश हो, दुनिया हो, कहीं पे भी ये इसी तरह का एक उत्सव होता है। चलिए कुछ महिलाएं हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं।
बहुत अच्छा है, ये तो सुहाग का एक निशानी है। हम लोग हमेशा मतलब इस दिन का इंतजार ही करते हैं और हर साल ये सबके जीवन में सबसे सबका सफल हो और अच्छा हो। माँ से और माँ चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे तो उससे पहले माँ को सजा के, माँ को सिंदूर लगा के उसको विदा करते हैं हम। तो चले नारी में ये जारी रखेंगे हम, और भी बताएंगे कुछ यहाँ के क्या खास यहाँ की जानकारी होती है, क्या इस धार्मिक महोत्सव के पीछे का उद्देश्य होता है, छोटे से ब्रेक के बाद।